ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के बनका साज साज फिर गाऊंगा। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जगह अच्छी नहीं लगी, चलो कहीं और चलते हैं। ओके सो बॉयज, अब बताते हैं एक्चुअली आज हमारे साथ क्या क्या हुआ। लो भाई, पहले तो ये देख लो सनसेट, क्या मस्त व्यू है ना। तो भाई आज हमारे साथ हुई कोई बहुत अच्छी अनहोनी, पुलिस का केस हो गया भाई। हम पर नहीं हुआ लेकिन हमारे ही नाम पे हो गया है। हम पर तो नहीं हुआ लेकिन हमारी किसी चीज़ पे हो गया है भाई। वो है हमारा लैपटॉप, हमारे लैपटॉप पे केस हो गया भाई। कहानी सुनो कैसे। मैंने अपना लैपटॉप बेचा था 2-3 महीने पहले किसी को, 2-3 महीने पहले नहीं, 2022 नवंबर के टाइम पे। और उस भाई ने वो लैपटॉप बना बना के दूसरे किसी पर्सन को बेचा, और वो पर्सन क्या कह रहा कि 2-3 हफ्ते बाद यूज़ करके उसको लेके आया वापस उसके पास, और कह रहा कि भाई इसे वापस रख लो और मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, फ़ोन की EMI भरनी है। तो भाई ने कही कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, और कोई बात है तो बताओ। कह रहा कि नहीं और कोई बात नहीं है, मुझे यही बात है। उसके बाद वो भाई लेके गया उस लैपटॉप को कहीं बनवाने के लिए, कुछ दिक्कत आई उसमें। तो वो लड़की क्या कह रही है, जिसके पास बनवाने लेके गया वहाँ पे एक लड़की बैठती है, वो क्या कह रही है कि भाई ये लैपटॉप मेरा है। ये क्या बात हुई। लो जी, करो बात अब इनसे। अब वो लैपटॉप उनका हो गया, पता नहीं किस ज़माने से सो के उठी थी वो कि वो लैपटॉप अब उनका है। तो फिर भाई के क्या करा, जिसने लैपटॉप खरीदा वो आया फिर से, जिसको मैंने लैपटॉप बेचा था, हुसैन भाई नाम है उनका। तो मैंने हुसैन भाई से उसने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसने मेरा लैपटॉप रख लिया, आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो कह रहे हैं कि भाई अब कस्टमर ने, अब आपने खरीदा हमसे, खरीदने के बाद आपके पास जो भी हुआ, कह रहे खरीदा तो आपसे ही है ना, और दिक्कत तो आपके पास से आई है। तो वो क्या, अच्छा उन्होंने किया मेरे को कॉल, मैं गया जब हमने बात करी, मैंने कही भाई ऐसी बात है सुनो, जिसने आपका लैपटॉप रखा है उससे पूछो लैपटॉप का SSD कितना है, रैम रोम क्या है, लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है, कौन से जनरेशन था। उसने ये सब बात की उससे, और ये वो कह रही है कि मुझे ये सब नहीं पता, बस लैपटॉप मेरा है, मुझे ये पता है। हमने कही ठीक है भाई। तो अब भाई हम उसकी इतनी हेल्प तो कर नहीं पाए, तो उस भाई ने कर दिया केस। अब भाई केस ओबियसली मेरे सामान पर हुआ है, हालांकि बेचने के बाद वो मेरा रह नहीं गया लेकिन फिर भी मेरे सामान पर हुआ है। तो हुसैन भाई ने बुलाया फिर से, कह रहा कि पुलिस केस हो गया। हम कहे कोई बात ना, आने तो पुलिस केस कर देंगे। तो भाई ये हुआ आज से सुबह से मेरे साथ, और इस पुलिस केस के चक्कर में भाई हम सोए नहीं अभी तक। हम अभी तक थे उन्हीं की दुकान पे और डिस्कस हो रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि भाई देखो सामान पे पुलिस केस होना मतलब Act 390 होता है, IPC Section 390 लगती है एज अ रॉबरी। और अगर उसने ये प्रूफ किया कि वो लैपटॉप उसका है, जो कि है नहीं मेरा है, तो भाई हम पे हो सकती है धाराएं बहुत सारी। हम पे क्या, हुसैन भाई पे भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप बेचा है। हुसैन भाई मतलब बेसिकली वो मेरे जान पहचान के हैं, जो सेकंड हैंड मोबाइल से लैपटॉप रिपेयर भी करते हैं और बेचते भी हैं, तो उस चीज़ में उनको भी अंदर किया जा सकता है। हालांकि वो लैपटॉप है मेरा, लेकिन हमने आज से पहले ऐसा कभी कोई केस सुलझाया नहीं है, नया नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो हम कर रहे हैं बात वही से, भाई ने कर दिया पुलिस कंप्लेन और हमसे बात हुई, पुलिस आई। वो नु कह रही कि हम जा रहे हैं उस औरत के पास, अगर उसने हमें प्रूफ कर दिया कि वो लैपटॉप उसका है तो हम आप पे चार्ज करेंगे ये सारी सेक्शंस। हमने कही ठीक है बात कर लीजिए, लेकिन एक बार उसको मेरे सामने लेके आइएगा। वो कह रहे ठीक। अब भाई शाम हो गई है, अभी तक ना कॉल आया ना कुछ। तो मैंने सोची चलो भाई कुछ ना किया जाए तो वीडियो ही बना लिया जाए। तो हम निकले थे घूमने फर्टिलाइज़र, ऐसे भाई मज़े में हम निकल तो गए घूमने। और भाई बात करते करते मैं कहाँ उड़ा मुझे भी नहीं याद है। खैर ये अपना फर्टिलाइज़र देख लो, और ये हमारा रोड बढ़िया सा। तो बस इतनी सारी चीज़ें हुई आज मेरे साथ। और भाई आज का तो मौसम बहुत सही है, माहौल भी सही सही लग रहा है, बड़े सही जगह आ गया यार मैं तो। खैर बॉयज ये सारी बातें हुई हैं, कल है रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय सिस्टर्स, जो भी मेरी वीडियोस देखती हैं या फिर मेरे स्कूल से जो भी हैं, जो भी देखते हैं मुझे, और मेरे भाइयों तुम सब तो हो ही यार। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा।
मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे मोहब्बत लुटाऊंगा। तो भाई आज हमारे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब मैं एक बात सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग आते कहाँ से हैं दुनिया में। मतलब मेरा सामान जो मैंने 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10 साल यूज़ करी, और 10 साल में वो कह रही है, वो लड़की है जो ये बात कह रही है कि वो लैपटॉप उसका है। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस एक ही बात कहूँगा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया में। कोई बात नहीं गाइस, एंड हैप्पी रक्षाबंधन फिर से सबको, मेरे भाई और बहनों दोनों को। यार ऐसी थोड़ी परंपरा है कि सिर्फ बहनें भाइयों को रक्षाबंधन मानती है, भाई हम भी तुमको मान सकते हैं। सो हैप्पी रक्षाबंधन, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तो खैर क्या ही करूँगा, अकेला लड़का है ना। तो चलते हैं फटाफट, हियर वी आर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।